गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने जो क्लास चल रही है उसका नाम है प्रीपोजिशन। इसमें कल हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन के काइंड्स एंड डिटेल्स और किस आधार पर प्रीपोजिशन जो है वो कितने टाइप की होती है। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपरली प्रीपोजिशन के यूजेस, यानी प्रीपोजिशन के प्रयोग करना। तो उनमें सबसे पहले तो जो छोटी प्रीपोजिशन है ईजीवी में जो अच्छी से समझ में आने वाली है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक नंबर पे लेंगे एट का प्रयोग। यानी जो भी एट प्रीपोजिशन है इसका प्रयोग कहां और कैसे किया जाता है उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो एट के प्रयोग में देखिए या प्रीपोजिशन के प्रयोग के बारे में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दिस प्रीपोजिशन इज यूज्ड। दिस प्रीपोजिशन इज यूज्ड अब कहां और किन किन परिस्थितियों में अपन इसका प्रयोग करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टू इंडिकेट फॉलोइंग थिंग्स, टू इंडिकेट फॉलोइंग थिंग्स और सिचुएशंस। तो इसमें पर लिखेंगे फॉलोइंग थिंग्स और सिचुएशंस। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब देखिए डायरेक्टली हम शुरू कर देते हैं एट का प्रयोग। यानी ये तो हमने लाइन से लिखी है कि इस प्रीपोजिशन यानी इस प्रीपोजिशन इसका मतलब एट प्रीपोजिशन का प्रयोग टू इंडिकेट फॉलोइंग थिंग्स और सिचुएशन यानी वस्तु इन तीन चीजों को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें अपन एट एक नंबर लगा करके छोटा एक नंबर लगा करके अपन डाल सकते हैं कि भाई एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग अपन किन किन चीजों के लिए करते हैं। तो जैसे साथ में इसमें अपन पहले लेते हैं टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का होता है समय। इसमें क्या चीज दर्शाई जाएगी समय, यानी समय को दर्शाने के लिए। किसको दर्शाने के लिए समय को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं अपन एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें पॉइंट ऑफ टाइम ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लो, इस शब्द का मतलब क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक लगभग निश्चित समय, लगभग निश्चित समय। तो ऐसे ही इसमें अपन लिखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज आती है। इसमें लिखिए एग्जैक्ट टाइम ऑफ ए क्लॉक, इसी के आगे लिख लीजिए समझो। जैसे अपन इसमें ऐसे देख सकते हैं एग्जैक्ट टाइम ऑफ ए क्लॉक, साथ ही जैसे मान लीजिए हमने ये तो लिख लिया कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ ए क्लॉक। अब एग्जैक्ट टाइम ऑफ क्लॉक के साथ साथ जैसे घड़ी का समय आ गया क्लॉक का मतलब, इसके साथ जैसे नेम वगैरह है देश के नेम आ गए, मंथ के नेम आ गए है ना, इस प्रकार से। तो वीक के जो नेम है मंथ नेम है ना वो भी इसी में आते हैं। जैसे नेम ऑफ इसी का लिख लो नेम ऑफ डेज, इसी के साथ में अपन मंथ भी जैसे मान लीजिए यही जोड़ देते हैं तो नेम ऑफ डेज मंथ ईयर है ना। ठीक है, ऐसे ही इसमें जैसे मान लीजिए डेज मंथ अपन ले लिए, फिर ईयर जैसे कोई सन आ गई 2020 2019 2010 2005 वगैरह बजट, तो वो ईयर इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए और भी बहुत सारा ऐसा टाइम है जैसे सनसेट है सनराइज है ना, वो चीजें भी इसी में अपन लेंगे। तो जैसे आर इज एग्जांपल, ये तो हो गए इसके एग्जांपल। अब इसी में दूसरा लेते हैं बिफोर द टाइम ड्यूरेशन, इसको ऐसे लिखोगे आपको भाई आर इट्स एग्जांपल। चलो इसको लिख लो, इसका लिख दो आर
इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहां डालने के बाद दूसरा इसमें चाहे तो कोमा डाल के रख सकते हैं, चाहे तो फुल स्टॉप डाल के लिख सकते हैं क्या, बिफोर द टाइम ड्यूरेशन, इसी के अंदर हम लिख लेंगे बिफोर। अब टाइम ड्यूरेशन से मतलब समझ रहे हो, यानी समय की अवधि, ड्यूरेशन का मतलब दौरान, किस समय के दौरान, तो बिफोर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स, बिफोर द टाइम ड्यूरेशन और समय के दौरान जानते हो कितना समय, जैसे 24 आवर्स हो गया ड्यूरेशन में है, तो इसमें जैसे पहले से देख सकते भाई 24 आवर्स ऑफ 24 आवर्स ऑफ 24 आवर्स। साथ में देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये तो ले लिया, इसके अलावा जैसे एनी मोमेंट, समझो वो जो शब्द होते हैं वो भी अपन इसी के अंदर लेंगे, तो जैसे एनी वर्क ड्यूरिंग सम एज, ठीक है, ठीक है, इसमें एनी वर्क ड्यूरिंग सम एज मतलब किसी उम्र के लगभग, समझने का प्रयास कीजिए, यानी किसी उम्र के लगभग यदि कोई काम होगा तो उसको भी अपन इसमें शामिल कर सकते हैं। और बिफोर फेस्टिवल नेम इसी में अपन ले लेंगे, और बिफोर फेस्टिवल नेम फेस्टिवल्स नेम, मान लीजिए कोई त्योहार का नाम आ रहा है तो उसके पहले भी अपन कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे, एट प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन इसमें आगे लिख दीजिए, टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन ठीक है, और पूरा फिर जब इसको अपन अलग अलग वे में पढ़ेंगे, यानी पूरा इसका विस्तार से एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, फिर ये आप लोगों को बेटर समझ में आ सकता है। ऐसे जैसे लुक द फॉलोइंग एग्जांपल्स, अब अपन इसके अंदर जो चीज आ रही है उनके ऊपर ध्यान देंगे, तो लुक द फॉलोइंग एग्जांपल्स, कहने का मतलब आप लोग इसके एग्जाम्पल राइट करेंगे। तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल मान लीजिए अपन लेते हैं, जैसे द सनराइजेज, सूर्य उगता है, अब कितने बजे उदय होता है, तो अपन जैसे लिखते हैं 8:05 PM, 5 AM, समझ रहे हो, या 6 AM, कोई भी, जैसे कोई कितनी बजे आया, कोई कितनी बजे गया, तो जैसे पहला ले लेते हैं द सनराइजेज, एट 6 AM कर देते हैं, सूर्य कितनी बजे उदय होता है, 6 बजे उदय होता है, ओके। ऐसे ही जैसे मान लीजिए दूसरा है आई रीच देयर, इसी में सेकेंड एग्जाम्पल पर लिख लेते हैं, आई रीच देयर, जैसे मान लीजिए अपने लिए टाइम दे दिया 5:30 PM कि मैं वहां इतनी बजे पहुंचा, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप कितनी बजे सोते हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई स्लीप, आई स्लीप एट 11 PM, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे, जैसे वह कब आएगा, समझो तो वह 6 बजे तक आएगा, या सूर्य अस्त के समय में आएगा, ऐसे भी अपन इसमें लिख सकते हैं। तो जैसे ही विल कम बैक, ही विल कम बैक, अब जैसे इसमें टाइम डालो तो शाम का टाइम डाल दो, और अपन टाइम अपने डालते हैं तो जैसे सनसेट वगैरह डाल सकते हैं, तो कम बैक एट सनसेट कि वो सूर्यास्त के समय आएगा। आगे ऑप्शन लिख दो, ईटी
सी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह जैसे मान लो जैसे अपने लिखा ही विल कम बैक एट सनसेट, तो इसमें अपने जैसे लिख सकते हैं ही विल कम बैक है ना, और जैसे कोई भी यहाँ पे अपन 6 PM डाल रहे हैं 7 PM डाल रहे हैं है ना, इस प्रकार से इनके पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जिसमें देखो इसमें एक एग्जाम्पल अपन और लिख लेते हैं, आई कैन रीपे, मान लीजिए अपने किसी से कोई पैसा उधार ले लिया उसको वापस देना है, तो वापस देने के तो यानी जो अवधि है जो समय है वो क्या होगा, तो उसके लिए अपन कह सकते हैं कि आई कैन रीपे द अमाउंट, आपका जो रुपया है अमाउंट का मतलब जो आपका पैसा है मूल्य जो है वो मैं आपको कब चुकूंगा, तो उसमें अपन लिख सकते हैं एट एनी मोमेंट, कि मैं किसी भी समय आपको लौटा सकता हूं, तो एट एनी मोमेंट यानी आपके पास संभावना है कि आपके पास किसी भी पैसे आ सकते हैं और आप अगले को किसी भी समय वापस लौटा सकते हैं। ओके, तो ये अपना एक नंबर का पॉइंट हो गया। अब अपन देखेंगे पॉइंट नंबर टू। अब जैसे इसी में मान लीजिए थोड़ा सा अपन एक अलग चीज पढ़ करके पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अपनी घड़ी का समय नहीं लिया, तो जैसे अपन यहां पे लिख सकते हैं वी लेफ्ट एट 2 o'clock, मान लीजिए हमने कोई भी चीज थी उसको कितने बजे छोड़ दिया, तो 2 o'clock 2 बजे हमने उसको कितने बजे छोड़ा, 2 o'clock 2 बजे, ये हो गया जिससे घड़ी का समय। ऐसे ही जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसमें आपको हल्का सा ध्यान देने की बात है क्या, ही केम जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिख रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल कर करके ही केम एट, अब मान लीजिए मैं टाइम डाल दिया मिडनाइट, ही केम एट मिडनाइट मध्य रात्रि को आया यानी आधी रात को आया, मिडनाइट का मतलब होता है अर्ध रात्रि का जो समय होता है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कोड डाल दिया अपने के लिए, ऐसे ही जैसे मान लीजिए मिडनाइट अपन नहीं डालें तो क्या डाल सकते हैं, एट डस्क डाल सकते हैं, एट डे ब्रेक डाल सकते हैं, समझ लो जैसे एट मिडनाइट डाला ना ऐसे ही अपन क्या डाल सकते हैं एट डस्क, समझ लो ये अपन यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर ये नहीं डालना चाहें तो अपन इसके लिए ओवली लगा लगा करके जैसे एट डे ब्रेक डाल सकते हैं, बस ये आपको थोड़ा सा जो समझने की बात है वो इस पॉइंट में ध्यान देने की बात है। जो अब अपन लिखेंगे एट अपन ने डे ब्रेक लिख दिया, जैसे मान लीजिए एट डाउन लिख सकते हैं, डाउन का मतलब होता है प्रातः काल का समय यानी दिन निकलने का समय, वो भी अपने इसमें ओवली लगा सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक जो ध्यान देने की बात है, ऐसे ही अपन एक और चीज इसमें लिख सकते हैं कि एट नून भी आप लिख सकते हैं उसमें, जैसे मान लीजिए हमने ओब्लिक लगा के एट नून भी लिख दिया। ठीक है, काफी हो गए, बहुत सारे हो गए। अब ये सब चीजें तो हमने लिखी कि एट मिडनाइट हो गया, एट डस्क हो गया, एट डे ब्रेक हो गया, एट डाउन हो गया, एट नून हो गया, लेकिन जैसे मान लीजिए मॉर्निंग इवनिंग वगैरह आ जाए, समझ लो इनकी जगह ये शब्द नहीं आ करके और मॉर्निंग इवनिंग आ जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो आपको थोड़ा सा समझने के लिए जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। लेकिन जैसे मान लीजिए मॉर्निंग आ गया, मान लीजिए अगर सुबह का समय आ गया बट लेकिन है ना बट, तो सुबह का समय आ गया तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इन प्रीपोजिशन लगाएंगे, कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन इन द मॉर्निंग, या आप इसको स्टार करके अपन अलग कर सकते हैं कि ये टाइम होगा तो उसके साथ अपन क्या लगाएंगे एट लगाएंगे, लेकिन जैसे मॉर्निंग आ गया इवनिंग आ गया आफ्टरनून आ गया, तो ऐसे स्थिति में हम कौन से वर्ड्स का प्रयोग करेंगे वो आप लोगों को मैं यहां राइट करवा रहा हूं। तो जिसमें कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, इसमें इन लगेगी, इन द मॉर्निंग, ऐसे ही इन द इवनिंग। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें आफ्टरनून वगैरह लेंगे, तो जैसे इसमें ले सकते हैं इन द आफ्टरनून। ठीक है, आप इसमें ले सकते हैं आगे ETC, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब
इन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, एंड का प्रयोग किया जाता है। अरे ऊपर वाले में अपने एंड का प्रयोग अपन पढ़ रहे थे, लेकिन इन सब चीजों के साथ तो एंड का प्रयोग किया जाता है जो अपने ऊपर पढ़ा है। लेकिन अगर मॉर्निंग इवनिंग ये वर्ड आ जाएंगे आफ्टरनून समझो, तो ऐसी स्थिति में अपन इनके साथ एड नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? एड नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे इनके साथ? हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग किया जाता है। आप इसको आगे लिख सकते हो इटीसी के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। यानी इसका एक तरीके से क्या हो गया? अपवाद सा हो गया। जो हम एड का प्रयोग पढ़ रहे हैं ये इसका अपवाद है कि इसमें इसके साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरा जिसे बता के लिखेंगे पॉइंट नंबर टू, टू इंडिकेट। अब देखिए दर्शाने के लिए हमें क्या दर्शाएंगे? हम स्थान प्लेस समझो। तो इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं स्थान दर्शाने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं किसी की प्रेजेंस यानी उपस्थिति। तो टू इंडिकेट द प्रेजेंस उपस्थिति, उपस्थिति किसी की कहां दर्शानी है उसके आपके बारे में लिखा रहा हूं। टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ समवन, इसमें काम लीजिए ऐसी अपन चलो पहले लिख लो प्रेजेंस ऑफ समवन। और समथिंग यानी समवन और समथिंग की क्या दर्शाने के लिए? प्रेजेंस दर्शाने के लिए। कहां? एट ए पर्टिकुलर प्लेस, एट ए पर्टिकुलर प्लेस। तो इसमें क्या दर्शाना है हमें? प्लेस दर्शाना है, ये ध्यान रखना है हमें। यानी इस पॉइंट में कौन सी चीज दर्शानी है? प्लेस, ठीक है। इसको अपने को फोकस करके रखना है कि स्थान दर्शाने के लिए प्लेस का मतलब है स्थान, निश्चित स्थान यानी कोई विशेष स्थान। देखो टेलीग्राफ का टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की पर्टिकुलर प्लेस, उसका निश्चित स्थान यानी विशेष स्थान दर्शाने के लिए किसका प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? एड प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अपन कौन सी प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं? पर एड प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। तो अब पढ़ेंगे सबसे पहले इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखिए जैसे ही इज एट द रेलवे स्टेशन, ही इज एट द रेलवे स्टेशन वेयर इज, इसका मतलब वह इस वो आदमी जो है वो इस समय कौन से पर्टिकुलर स्थान पे है? रेलवे स्टेशन पे। कहां पर है? रेलवे स्टेशन पे। जैसे अपन दूसरा लिखिए कि कोई भी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मीना इज एट होम, सीमा मीना रीना पर कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे मीना इज एट होम, मीना कहा है? घर पर है। तो घर जो है वो इसका यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस है। ऐसे में जैसे दूसरा दे आई सा ए बेगर, जैसे आई सा ए बेगर, मैंने मिठाई देखा। अब आपने मिठाई कहाँ देखा? जैसे मान लीजिए अपन कोई भी चीज ले लेते हैं रेलवे स्टेशन है कहीं भी, तो एट द स्टेशन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी ऑफिस में काम कर रहा है तो अपन उसके लिए से भी कह सकते हैं कि सीव इज एट ऑफिस, कुछ भी है। तो ये अपने कुछ एक एग्जांपल हो गए, ठीक है। इसके बाद में तीन नंबर में जो अपन पॉइंट डालेंगे वो आपको मैं राइट करवा रहा हूं। ऐसे मान लीजिए अपने थ्री नंबर लगा के इसमें राइट किया, तो आप इसमें ये टू इंडिकेट। अब देखिए क्या इंडिकेट करना है समझ रहे हो? टू इंडिकेट द स्टेट, स्टेट का मतलब समझ रहे हो स्थिति, मतलब उसकी पोजीशन जो जिसे अपन कहते हैं। तो टू इंडिकेट
द स्टेट इन विच, जिसमें, ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इन विच। अब इसमें भी वही वही डाल सकते हैं इन विच संबंध, ठीक है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, इन विच समवन और समथिंग, और समथिंग अब क्या होगा ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन विच समवन और समथिंग क्या इसमें इज वाज और विल बी, इसमें आप ऐसे एक काम कीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा इज वाज और विल बी। इज वाज विल बी से मतलब समझ रहे हो तुम लोग, यानी क्या है ये तीन टेंस का यहाँ पे वाक्य में प्रयोग हो रहा है। इस जो है हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, वाज जो है वो पास्ट कंटिन्यूस का है, और विल भी जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस की है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैं लिखेंगे इसके एग्जांपल। तो जैसे इसमें देखिए, मान लीजिए कोई आदमी काम कर रहा है तो वो काम कहाँ कर रहा है, जैसे तो इसमें अपने से एक एग्जाम्पल से लिख सकते हैं ही इज एट वर्क नाउ, अभी वह काम पर है, यानी जिस जगह वो काम करता है वो उस काम के ऊपर गया हुआ है। तो अपने से लिख सकते हैं ही इज एट वर्क नाउ, यानी जहां काम कर रहा है वहां के लिए अपने, तो ही इज एट वर्क नाउ। या जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल इसमें ये ले लेते हैं, जैसे इंडिया और चाइना है सपोज कीजिए, तो लगभग इंडिया और चाइना में जो एक युद्ध लड़ा गया था वो लगभग 1962 के अंदर लड़ा गया था। तो उसमें अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि इंडिया एंड चाइना, सेकंड एग्जाम्पल लगा कर रहे अपन, इंडिया एंड चाइना की भारत और जो चीन था उसके अंदर जो लड़ाई गई थी, वर एट, अब वो कब लड़ी गई थी ये ध्यान रखना है, तो एट कौन सा वार हुआ था, वार इन 1962, तो इंडिया एंड चाइना वर एट वार इन 1962 एट वार। अब इनके बीच में जो वार हुआ था वो होता कब, इन 1962, इसलिए हम लगा देंगे इन 1962, ठीक है। ऐसे कैसे मान लीजिए दो देशों के बीच में कोई शांति हुआ है या शांति की बात बनी हुई है, शांति बनी हुई है, तो उसके लिए भी अपन इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे द टू कंट्रीज एग्जाम्पल लगा के अपन लिख सकते हैं, द टू कंट्रीज, अब दो देश है, दोनों देशों के बीच में क्या है, शांति हो रही है, तो आर एट पीस, आर एट पीस, कि दोनों देशों के बीच में क्या है, शांति है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ एक एग्जाम्पल है, बोर्ड एक बार फ्री हो गया है, आप पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें अपना देखिए पोर्ट नंबर का पॉइंट लगा करके, और इसमें अपन राइट करने जा रहे हैं, आप उसको राइट कीजिएगा। जैसे इसमें मान लीजिए अपन लिखते हैं टू शो दर्शाने के लिए, अब इसमें अपन कोड भी कर सकते हैं टू शो दर्शाने के लिए, क्या क्या दर्शाने के लिए अपन इसका प्रयोग करेंगे, तो जैसे टू शो स्पीड गति है, ऐसे जैसे मान लीजिए रेट है, किसी वस्तु की कोई दर है, मूल्य है उसका, ऐसे जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर के साथ साथ जैसे कोई इंटरेस्ट आ गया, मान लीजिए 5% इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको भी दर्शाने के लिए तो टेम्परेचर, और साथ में अपन जैसे इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप ये लिखो तो लिख देंगे इंटरेस्ट, यानी जो ब्याज होता है जैसे अपने अपने भाषा में कहते हैं, उसको दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, एट प्रीपोजिशंस का ही प्रयोग किया जाता है, ये आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे अपनी अभी अब इसके लिखेंगे एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ड्रोव हर कार, उसने अपनी कार को चलाया, अब कितनी स्पीड से चलाया, तो जैसे 120 किलोमीटर ले लेते हैं, 130 किलोमीटर ले लेते हैं, कुछ भी है ना, तो सी ड्रोव हर कार, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, सी ड्रोव हर कार, अब कार की स्पीड कितनी रहनी चाहिए हमको, 70 किलोमीटर दे दो, 80 दे दो, 100 दे दो, है ना, तो 800 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 800 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, यानी उसने अपनी कार को कितनी स्पीड से कम भी 100 किलोमीटर की रफ्तार से, कितनी रफ्तार से, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया। जैसे मान लीजिए अपन पानी गर्म करते हैं और पानी को नीचे आग लगा करके अपन गर्म करते हैं, तो पानी जो है वो कितनी डिग्री सेल्सियस में गर्म होने लग जाता है, तो अपन वो एग्जांपल भी उसमें ले सकते हैं, जैसे वाटर बॉइल्स, वाटर बॉइल्स 100 डिग्री, पानी जो है वो कितनी डिग्री में गर्म हो जाता है, 100 डिग्री, तो अपन यहाँ पे एड लगा करके लिखेंगे 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री, तो डिग्री के लिए अपन यहाँ पे छोटी बिंदु लगा सकते हैं, डिग्री के लिए छोटे बिंदु फिर सेल्सियस, ठीक है। ऐसे जैसे आगे वाला पॉइंट है, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे कोई वस्तु है वो बेची जा रही है, तो कितने रुपए में बेची जा रही है, उसका मूल्य जो है वो कितना है, तो जैसे अपन एक एग्जांपल देते हैं, बनानास आर सोल्ड, यहाँ इसी में ले लेते हैं अपन बनानास, मानी केले आर सोल्ड बेचे गए हैं, अब कहाँ बेचे गए हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अपन यही ले लेते हैं, तो बनाना आर सोल्ड हियर के लिए यहाँ बेचे गए कितने, तो जैसे अपन ले लेते हैं 8 20 रुपीज, मान लो 30 रुपीज है ना, तो सोल्ड हियर 8 20, तो 20 में ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 20 रुपीज 1 किलोग्राम, 20 रुपीज 1 किलोग्राम, या इसको जैसे सोल्ट में लिखें तो केजी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम को सोल्ट में क्या लिख सकते हैं, केजी भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जैसे वो मान लीजिए अपने वो और एग्जांपल लिख रहा हो, तो जैसे शुगर है, चीनी है, वो क्या भाव बेची गई है, या कोई भी एक्स वाई जेड, तो जैसे आपने किसी से मान लीजिए पैसे लिए हैं, तो आई बोरोड मनी, आपने मान लीजिए किसी से पैसा उधार लिया, तो आप लिख सकते हैं आई बोरोड मनी, मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार लिए, अब आपने पैसे उधार तो ले लिए, लेकिन आपने वो पैसे किस इंटरेस्ट पे उधार लिए, यानी किस कितने रुपए इंटरेस्ट में उधार लिए, तो उसके लिए अपन लिख सकते हैं आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम एट, आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम एट, अब कितना इंटरेस्ट डालना चाहते हैं, 5 10 अच्छा ये दो अपन लिख सकते हैं 5% इंटरेस्ट, तो अपने यहां लिख सकते हैं 5% इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो पैसा लिया था वो कितने रुपए इंटरेस्ट में लिया था वो भी हमने यहाँ शो कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु और है बेची जा रही है या कुछ भी, तो जैसे यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ही बोर्ड द बुक, एक एग्जाम्पल अपन बोल लेते हैं ही बोर्ड द बुक, एंड हाई प्राइस, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये मान लीजिए हाई प्राइस वगैरह है ये वर्ड भी आ जाए तो फिर उसके पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, एंड का ही प्रयोग करेंगे, तो ही बोर्ड द बुक एट हाई प्राइस, उसने महंगे दाम में, हाई प्राइस यानी ऊंचे मूल्य में उसने पुस्तक को खरीदा, तो इन सब के पहले भी कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, एट प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा, इसको आप अंडरलाइन क्लियर करो, जो प्रीपोजिशन वाले वर्ड होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना 4 पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका है, आप एक बार इसको राइट कर लो।